कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में लगी भीषण आग। छप्पर में लगी आग से मवेशी गंभीर रूप से झुलसे, जानवर हटाने में महिला भी झुलसी। कानपुर के टिकरा चौकी अंतर्गत ग्राम डंबरपुरवा का बताया जा रहा पूरा मामला। वहीं कानपुर में डीसीएम ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कंजरी गांव की घटना बताई जा रही है। कानपुर में चुनाव के चलते पुलिस ने किया पैदल मार्च। आदर्श चुनाव संहिता को देखते हुए कल्याणपुर क्षेत्र में किया पैदल मार्च। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में निकाला गया मार्च। पैदल मार्च कर जनता को दिलाया गया सुरक्षा का एहसास। वहीं कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज आ सकता है बड़ा फैसला। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सुना सकती है फैसला। फरुखाबाद में घर में बेहोश मिली महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम बताया गया। छत की सीढ़ियों से गिरने से घायल हुई थी महिला। कानपुर देहात में फर्जी कागजात तैयार कर षड्यंत्र विद्यालय की जमीन हड़पने का हुआ खेल। दर्ज हुआ मुकदमा। खेलने की जमीन को हथियाने के लिए षड्यंत्रकारियों ने बदला कागजों में पिता को। मथुरा के बलदेव नगर में अपने पिता महावीर पर फायरिंग करने वाले को पुलिस ने उठाया। नहाते समय ही उठा लिया गया। पुलिस ने सिर्फ अंडरवियर पहने ही आरोपी को उठा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस की किरकिरी हुई। वहीं मेरठ बागपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात सड़क हादसे में कार और ट्रक की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कार सहित युवक को कई मीटर घसीटा ट्रक ने। वाराणसी में सीवर की सफाई करते वक्त सफाई कर्मचारी की जान चली गई। सफाई कर्मचारी की मौत से परिवार में कोहराम। बाबा बागेश्वर धाम के चीफ धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने हजरत अली बनाम बजरंग बली वाले बयान पर मांगी माफी। बताए, मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है, मुस्लिम समाज नहीं है संतुष्ट। अमेठी के गौरीगंज में इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगने से महिला कंचन की मौत पर परिजनों ने हंगामा काटा। सीएमओ की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बयान को दर्ज किया। वहीं उत्तर प्रदेश में 17 लाख मदरसों में शिक्षा पा रहे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कस्बा बुढ़ाना में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से चार आरोपी जाबिर, महमूद, सुभाष और जाकिर को गिरफ्तार किया। यूपी में आकाश आनंद की पहली रैली, बिजनौर की नगीना सीट पर करेंगे जनसभा। चंद्रशेखर भी यहीं से लड़ रहे चुनाव। कन्नौज में नशे में धुत सिपाहियों ने टोल कर्मियों के साथ की मारपीट। कार्रवाई न होने से टोल कर्मियों में पनपा आक्रोश। आगरा में मजदूर को मजदूरी के पैसे मांगना पड़ गया भारी। दबंगों ने मजदूर को जमकर लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में फूट फूट कर रोया ऑटो रिक्शा चालक। नामांकन निरस्त होने पर रोया रिक्शा चालक। जिला निर्वाचन आयोग ने नामांकन किया निरस्त। 432 करोड़ की शराब पी गए बहराइच के शराब पीने वाले। प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त कर टॉप 10 में पहुंचा बहराइच शराब पीने के मामले में। वहीं नोएडा में एल्विस यादव के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट। नोएडा में पुलिस ने एल्विस यादव के खिलाफ दायर की 12,000 पन्नों की चार्जशीट, 8 अन्य के नाम शामिल। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में मनाया जा रहा स्थापना दिवस। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी के दिवंगत नेताओं की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमरोहा शिक्षक असलम की विदाई पर रोने लगे बच्चे। लिपट कर रोने लगे बच्चों का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को लगी गोली। परिजनों ने गंभीर हालत में कराया अस्पताल में भर्ती। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कोतवाली नगर के मोहल्ला जाटवपुर की बताई जा रही पूरी घटना। फतेहपुर में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवकों ने गांव में कोर्ट मैरिज की अफवाह फैलाई थी। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बेटे बीजेपी में शामिल। कई दिग्गजों ने उड़ा भगवा। लखनऊ सपा दफ्तर पर मुख्तार अंसारी की हिमायत वाली होल्डिंग राम सुधाकर यादव ने लगवाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होल्डिंग को हटवा दिया। ईद में 2 मिनट का मौन रखने की अपील की गई थी। लखीमपुर में लिफ्ट देने के बहाने महिला से लूट और बर्बरता की गई। महिला के चेहरे पर पेशाब कर दुष्कर्म की हुई कोशिश। नीमगांव पुलिस ने अभी तक महिला का मेडिकल नहीं कराया।